Hello, my dear viewers. This is your educator and mentor Swati Chavla. और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से YouTube चैनल पे. So आज की वीडियो का टॉपिक जो है most important है, because in this video we are going to discuss the tips to solve the case study based questions. जो आप लोगों का networking का chapter है, उसमें से आपका एक building वाला question आता ही आता है. और पहले ही आता था 4 marks का, बट अब जो आपका CBSE issued sample paper जो latest edition है उसमें ये हो गए हैं 5 marks का. सो इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि लेआउट कैसे ड्रॉ करना है, प्लस और भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं. सो अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हो तो डेफिनेटली आप इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं बिल्कुल अटेम्प्ट कर पाएंगे, और उसमें आप पूरे 5 marks भी अपना सिक्योर कर सकते हैं. ये कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के बाद वी विल ऑल्सो डिस्कस 2 questions एज वेल, जिसमें स्पेशली जो आपका केबल लाउट लेआउट का डाउट रहता है कि स्टार टोपोलॉजी बनाना है या बस टोपोलॉजी बनाना है, वो क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमने बनाना है. राइट, चलिए कर देते हैं वीडियो की शुरुआत. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आपको तो पता ही है क्या करना है. अगर आप इस चैनल पर नए हैं, या फिर आप पहली बार चैनल वीडियो देख रहे हैं, या फिर वीडियो सिर्फ देखते जा रहे हो बट चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ बच्चों प्लीज़ शो योर सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल. और इतनी बढ़िया वीडियो है तो पसंद तो आनी ही है, तो एक लाइक वीडियो को ज़रूर करना. एंड आफ्टर दैट डू शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन एज वेल. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. ये चीज़ ध्यान रखना कि भाई यहाँ पर ये आपका कितने मार्क्स का हो गया, 5 marks का. ठीक है, फर्स्ट तो देखो आपको इसमें किस टाइप का पूछते हैं कि आपको बताना होगा नेम द मोस्ट सुटेबल विंग वेयर द सर्वर शुड बी इंस्टॉल्ड. अब देखो जो इसका क्वेश्चन आएगा ना बिल्डिंग वाले, उसमें आपको पहले तो कुछ थ्योरेटिकल पार्ट बता रखा होगा, कितने ब्लॉक्स हैं, कितने बिल्डिंग्स हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, वो सब. फिर आपको कुछ ब्लॉक्स गिवन होंगे, राइट. प्लस इस क्वेश्चंस में आपको 2 tables गिवन होंगे. एक टेबल तो आपकी होगी डिस्टेंस की, कि उसमें आपको हर एक बिल्डिंग का दूसरे बिल्डिंग से डिस्टेंस बता रखा होगा. सेकंड जो आपकी टेबल होगी उसमें आपको बता रखा होगा नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स इन ईच बिल्डिंग, हर एक बिल्डिंग में मेरे पास कितने नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स हैं, राइट. सो जो आपका फर्स्ट पार्ट है दैट इज नेम द मोस्ट सुटेबल विंग वेयर द सर्वर शुड बी इंस्टॉल्ड. सो इसके लिए आप चेक करोगे अपनी जो वो वाली टेबल जिसमें बिल्डिंग का नेम दिया होगा प्लस नंबर ऑफ कंप्यूटर्स गिवन होंगे. सो सर्वर हमेशा कहाँ पर प्लेस करोगे, आप क्वेश्चन में देखोगे कि कहाँ पर आपके नंबर ऑफ कंप्यूटर्स मैक्सिमम है. जहाँ पर आपको देखे नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स मैक्सिमम है वहाँ पर आप अपना सर्वर इंस्टॉल कर दोगे. सो सर्वर इज़ टू बी प्लेस्ड इन द बिल्डिंग और विंग वेयर नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स आर मैक्सिमम. जहाँ पर आपके जो नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स हैं वो क्या हो, मैक्सिमम हो. नेक्स्ट आते हैं मेरे पास ड्रॉ द केबल लेआउट. अब देखो इसमें केबल लेआउट को ड्रॉ करने के ना मेरे पास 2 methods हैं. कौन कौन से हैं, फर्स्ट वन इज़ द स्टार टोपोलॉजी, सेकेंड है हमारा 80-20 rule, जिसको हम और बोल सकते हैं हमारा बस टोपोलॉजी, राइट. दिस इज ऑल्सो नोन एज बस टोपोलॉजी. ठीक है, अब देखो जनरली आप लोग क्या करते हो, बस जहाँ देखा सर्वर कहाँ पर है और उसी से आप लोग क्या कर देते हो, वायर्स को कनेक्ट कर देते हो, बिल्डिंग्स को कनेक्ट कर देते हो. ठीक है, स्टार टोपोलॉजी में बेसिकली क्या होता है, सर्वर आपको पता लग गया कहाँ पर है, जहाँ पर आपके नंबर ऑफ कंप्यूटर्स मैक्सिमम है. तो स्टार टोपोलॉजी में तुम बाकी बिल्डिंग्स को किससे कनेक्ट कर देंगे, सर्वर से, राइट. वेयर एज जो हमारा बस टोपोलॉजी है इसमें हमारा 80-20 rule फॉलो होता है. 80-20 मीन्स आप ये देखो आपको क्या करना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो है हमें क्या करना है, बिल्डिंग्स को कनेक्ट करना है. इसका मेन पर्पज़ क्या रहता है कि जो हमारी वायर की लेंथ है ना वो मिनिमम होनी चाहिए. अब मैं कनेक्टिविटी कर रही हूँ, इतनी सारे बिल्डिंग्स कनेक्ट कर रही हूँ वायर के थ्रू, तो जहाँ पर मेरा जो डिस्टेंस कम होगा तो वायर भी कम लगेगी, राइट. डिस्टेंस कम होगा तो ऑब्वियसली मेरा खर्चा भी कम होगा, तो बेस्ट एंड एफिशिएंट मेथड रहता है. सो बेस्ट क्या रहता है कि आप दोनों मेथड ड्रॉ करो और डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो दोनों मेथड में से किसका कम है. तो जिसका डिस्टेंस कम होगा वो आपका बेस्ट मेथड रहेगा. ठीक है, स्टार टोपोलॉजी पता लग गया आपको, सर्वर होगा उससे बाकी बिल्डिंग्स कनेक्ट कर दोगे. बस टोपोलॉजी के केस में क्या करना है, आपको जो टेबल गिवन होगी कौन सी वाली, जिसमें आपको नंबर ऑफ़ डिस्टेंसेस गिवन होंगे,
आप देखोगे सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कौन सा है। लेट सपोज मेरे पास इसको हम इरेज कर दें अगर, ठीक है। लेट सपोज स्मॉलेस्ट डिस्टेंस मेरा ये वाला है, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इससे पहले एक चीज़ देखो, n बिल्डिंग्स के लिए n माइनस वन वायर्स यूज़ होंगी। दैट मीन्स कि अगर मेरे पास कितनी बिल्डिंग्स है, 1 2 3 4, फोर बिल्डिंग्स है, तो मैं कितनी वायर्स लूँगी, 3 वायर्स, n बिल्डिंग के लिए n माइनस वन वायर्स। प्लस मेरे पास कोई भी लूप नहीं फॉर्म होना चाहिए, लूप मीन्स क्लोज फिगर नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले मैंने डिस्टेंस देखा, मेरे को ये डिस्टेंस सबसे शॉर्ट मिल गया, मैंने कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट डिस्टेंस मुझे ये वाला शॉर्ट मिल गया, मैंने कनेक्ट कर दिया। अब अगर नेक्स्ट डिस्टेंस मुझे ये वाला शॉर्ट मिल रहा है, तो मैं इसको कनेक्ट नहीं करूँगी, बिकॉज वो लूप फॉर्म हो जाएगा और मुझे लूप को फॉर्म नहीं करना है। तो मैं इसकी बजाय क्या करूँगी, अपना नेक्स्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो भी होगा मेरा, वो वाला देखेंगे, राइट। सो ये हमारा कौन सा हो गया, बस टोपोलॉजी। अभी मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी कराऊंगी क्वेश्चंस को, सो आपको तब कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों से पूछ लेते हैं, सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइसेस। कि आपको नेटवर्क डिवाइसेस गिवन है और बताओ कहाँ पर कौन सा प्लेस करोगे। देखो फर्स्ट कौन सा है मेरे पास, हब और स्विच। हब और स्विच आपका हर एक बिल्डिंग में हर एक कंप्यूटर के साथ कनेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है मेरे पास रिपीटर्स। रिपीटर्स क्या होते हैं बेटा, जब भी हम लॉन्ग डिस्टेंस पे डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, तो हमारे जो सिग्नल्स हैं वो वीक होने लगते हैं। उन सिग्नल्स को रीजनरेट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एम्पलीफाई करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, रिपीटर्स। अब देखो जनरली आप लोग कभी बुक्स में पढ़ोगे 70 मीटर से जो है कम ज़्यादा पर रिपीटर लगेंगे, कहीं पर आप पढ़ोगे 100 मीटर पर रिपीटर लगेंगे, ठीक है। सो ऑन एन एवरेज आप यहाँ पर कह सकते हो कि 70 to 100 मीटर के बीच में, मीन्स इससे ज़्यादा का डिस्टेंस है तो हम क्या प्रेफर करेंगे, रिपीटर्स। नेक्स्ट है मेरे पास मॉडम। मॉडम किस लिए यूज़ होता है, अगर मुझे क्या प्रोवाइड करना हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो अगर मैं जहाँ पर मेरा सर्वर इंस्टॉल है वहाँ पर मॉडम लगा दूँ, तो सभी सिस्टम्स पर नेट पहुँच जाएगा। तो इसलिए मॉडम कहाँ पर प्लेस करोगे, जहाँ पर मेरा क्या होगा, सर्वर। नेक्स्ट है फायरवॉल। फायरवॉल मेरा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हो सकते हैं। इट इज़ अ नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू और फ्रॉम द नेटवर्क। कि हमारे नेटवर्क से कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस ना करें, अपने डेटा को, पूरे नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फायरवॉल को इंस्टॉल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, विच कम्युनिकेशन मीडियम और इंटरनेट कनेक्टिंग टेक्नोलॉजी इज़ यूज फॉर कनेक्टिंग ऑफिसेस। अब देखो जब भी मेरे को कुछ कनेक्ट करना होगा ना, तो मेरे पास आपको किस फैक्टर को ध्यान रखना है, एक ये वाला फैक्टर और एक ये वाला फैक्टर, राइट। इसमें क्या, कॉम्प्रोमाइज विद कॉस्ट नॉट विद स्पीड। मीन्स मैं स्पीड से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही, तो स्पीड मुझे हर हाल में क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। कॉस्ट से मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ, तो कॉस्ट कम भी होगी तो चलेगा, ज़्यादा भी होगी तो भी चलेगा, बट स्पीड मेरी बढ़िया होनी चाहिए, क्योंकि मैं कॉम्प्रोमाइज़ कॉस्ट के साथ तो कर लूँगी, स्पीड के साथ नहीं करूँगी। नेक्स्ट मेरा फैक्टर क्या रहता है, कॉम्प्रोमाइज़ विद स्पीड बट नॉट विद कॉस्ट। कि मेरी स्पीड अगर कम भी होगी तो चलेगा, मैं स्पीड से कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ, बट नॉट विद कॉस्ट। कॉस्ट मुझे कम ही चाहिए, कॉस्ट मेरी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं कॉस्ट के साथ अपना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, ठीक है। सो अगर मेरे पास केबल कनेक्शन पॉसिबल है तो ऑप्टिकल फाइबर। अगर क्वेश्चन में लिखा हो फास्टेस्ट स्पीड, हाई स्पीड कनेक्टिविटी, तो आंसर आप लोग बिल्कुल क्या लिख दोगे, सीधा सीधा ऑप्टिकल फाइबर, केबल कनेक्शन पॉसिबल है तो। और अगर केबल कनेक्शन पॉसिबल है और आपको क्या करना है, जिसकी में स्पीड कम चाहिए, मीन्स कॉस्ट को इकोनॉमिक मेथड अगर लिखा हो, तो आप डायल अप कनेक्शन और ब्रॉडबैंड इनमें से ले सकते हो। नेक्स्ट अगर केबल कनेक्शन ही पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स वायरलेस मीडियम यूज़ करना है। वायरलेस मीडियम के केस में अगर स्पीड ज़्यादा चाहिए हो, तो सैटेलाइट आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ स्पीड कम भी चाहिए हो, तो आप रेडियो वेव कम्युनिकेशन भी यूज़ कर सकते हो, राइट। हिली एरियाज और लॉन्ग डिस्टेंस में भी जनरली हम क्या यूज़ करते हैं, सैटेलाइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इन केस ऑफ वायरलेस कनेक्शन, किसकी बात हो रही है, वायरलेस कनेक्शन की। टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, इफ़ कॉम्प्रोमाइज ऑन स्पीड। कि मैं स्पीड पर तो कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ, कि स्पीड कम भी होगी तो चलेगा, बट नॉट ऑन कॉस्ट, देन ब्रॉडबैंड कनेक्शन विल बी सुटेबल। कि अगर मुझे स्पीड कितनी भी हो, ब्रॉडबैंड की स्पीड कम होती है, ठीक है, तो वो चलेगा मेरे को। नेक्स्ट क्या कहते हैं, मॉडरेट और इकोनॉमिक वायरलेस कनेक्शन।
वायरलेस कनेक्शन, मॉडरेट या इकोनॉमिकल, रेडियो वेव या माइक्रोवेव हो सकते हैं। बट अगर क्वेश्चन में आ जाए आपका हिली एरिया है तो मैं क्या प्रेफर करूँगी, रेडियो वेव्स, हिली एरियाज के लिए रेडियो वेव्स। और अदरवाइज बेस्ट वायरलेस मीडियम है मेरे पास सेटेलाइट, और बेस्ट वायर्ड मीडियम मेरे पास कौन सा है, ऑप्टिकल फाइबर, राइट। अब कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं, अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक चीज़ देखो, जो आपका केबल लेआउट का क्वेश्चन है, कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि मैम बिना देखे सीधा स्टार टोपोलॉजी बना दें तो क्या वो हमारा करेक्ट होगा। इसका सॉल्यूशन मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। हम आ जाते हैं पहले CBSE शॉर्ट सैम्पल पेपर को डिस्कस करते हैं, राइट। नाउ सी दिस क्वेश्चन, यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो सैम्पल पेपर का क्वेश्चन लिया है, दिस इज़ फ्रॉम द ईयर 2022-23 का है, ये 2022-23 का, ठीक है। फिर भी एक बार चेक कर लेना, ये आई थिंक लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें स्टार्टिंग में तो क्या दे रखा है, मेकअप इंडिया कॉरपोरेशन उत्तराखंड बेस्ड IT ट्रेनिंग कंपनी है, प्लानिंग टू सेटअप ट्रेनिंग सेंटर्स इन वेरियस सिटीज इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। द फर्स्ट कैंपस इज कमिंग अप इन काशीपुर डिस्ट्रिक्ट, एट काशीपुर कैंपस दे आर प्लानिंग टू हैव 3 डिफरेंट ब्लॉक्स। ये 3 डिफरेंट ब्लॉक्स है मेरे पास काशीपुर में, ठीक है। कौन कौन से हैं, ऐप डेवलपमेंट, मूवी एडिटिंग और वेब डिज़ाइनिंग। और ईच ब्लॉक में नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जो रिक्वायर्ड है वो भी गिवन है। एज अ नेटवर्क कंसल्टेंट ऑफ दिस कंपनी यू हैव टू सजेस्ट द बेस्ट नेटवर्क रिलेटेड सॉल्यूशंस फॉर देम फॉर इश्यूज और प्रॉब्लम्स रेज्ड इन क्वेश्चन नंबर्स 1-4, कीपिंग इन माइंड द डिस्टेंस बिटवीन वेरियस ब्लॉक्स एंड अदर गिवन पैरामीटर्स। सो यहाँ पर आपको ये कुछ लेआउट गिवन है, 2 टेबल्स मैंने आपको बताई थी, ये आपको डिस्टेंस वाली टेबल गिवन है, ठीक है। सो इसमें आपको हर एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग तक का डिस्टेंस दे रखा है। सेकेंड टेबल जो मुझे गिवन है दैट इज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, कि नंबर ऑफ कंप्यूटर्स मैक्सिमम किस में है, राइट। सो यहाँ पर देखो, अगर मैं बात करूँ फर्स्ट पार्ट की, सजेस्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ब्लॉक और लोकेशन टू हाउस द सर्वर। सर्वर कहाँ पर होगा, जहाँ पर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स मैक्सिमम होंगे, और नंबर ऑफ कंप्यूटर्स मैक्सिमम कहाँ पर है, मूवी एडिटिंग में। तो यहाँ पर आपका जो सर्वर है वो कहाँ पर प्लेस हो जाएगा, मूवी एडिटिंग ब्लॉक में, राइट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, अब देखो इसमें लिखा हुआ है हाफ मार्क फॉर नेमिंग द सर्वर एंड हाफ मार्क फॉर करेक्ट रीजन, रीजन भी पूछा हुआ, जस्टिफाई योर आंसर। सो रीजन सिंपल से लिखोगे, बिकॉज इट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। नेक्स्ट मुझे कहते हैं सजेस्ट अ डिवाइस और सॉफ्टवेयर टू बी इंस्टॉल्ड इन काशीपुर कैंपस टू टेक केयर ऑफ डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी के लिए मेरे पास कौन सा है, फायरवॉल। नाउ सी दिस पार्ट, थर्ड वन, जिसमें सब बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों इसको। सजेस्ट द बेस्ट वायर्ड मीडियम, क्या कह रहा है मेरे को, बेस्ट वायर्ड मीडियम सजेस्ट करना है एंड ड्रॉ द केबल लेआउट। 2 चीज़ें पूछी हैं, क्या क्या। अब इसमें बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ लेआउट ड्रॉ करके आ जाते हैं, बेस्ट वायर्ड मीडियम बताते ही नहीं है। बट 2 चीज़ें पूछी हैं क्वेश्चन में, सजेस्ट द बेस्ट वायर्ड मीडियम एंड ड्रॉ द केबल लेआउट ब्लॉक टू ब्लॉक टू इकोनॉमिकली कनेक्ट वेरियस ब्लॉक्स विद इन द काशीपुर कैंपस। इकोनॉमिकली कनेक्ट कह रहे ना, तो दैट मीन्स मेरे को कॉस्ट फैक्टर देखना पड़ेगा। अंधाधुन में बिल्कुल आँख बंद करके स्टार टोपोलॉजी नहीं बना सकती, हो सकता है उसमें डिस्टेंस मेरा ज़्यादा यूज़ हो रहा हो, ठीक है। और ये आपको पता है बेस्ट वायर मीडियम है, इकोनॉमिकली की बात हो रही है तो वहाँ पर तो मेरा इथरनेट केबल आ जाएगा। अब लेआउट की बात करते हैं, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर स्टार टोपोलॉजी की, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स 80 है मेरे पास मूवी एडिटिंग में, ठीक है, ये मेरी डिस्टेंस वाली टेबल है। सो अगर मैं इसको मूवी एडिटिंग को क्या लेती हूँ, सर्वर मान लेती हूँ, पहले मैं आपको बता रही हूँ बाय यूजिंग स्टार टोपोलॉजी। राइट, दिस इज बाय यूजिंग स्टार टोपोलॉजी। सो हमने क्या करा, मूवी एडिटिंग को सर्वर माना, तो सर्वर से मैं बाकी कंप्यूटर्स के बिल्डिंग्स को कनेक्ट कर दूंगी। मूवी एडिटिंग और ऐप डेवलपमेंट के बीच में कितना डिस्टेंस है, 55 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास मूवी एडिटिंग टू वेब डिज़ाइनिंग, इसमें है मेरे पास 32 मीटर, राइट। तो 55 + 32 जब आप करोगे तो आई थिंक ये आपका बनेगा 87 मीटर। किससे बनाइए, यूजिंग स्टार टोपोलॉजी। अब हम एक बार करते हैं यूजिंग बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या कहते हैं, वो 80-20 रूल तुम्हारा, कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देख लो, कितने बिल्डिंग्स हैं, 3 बिल्डिंग्स,
एन बिल्डिंग के लिए वायर्स कितनी यूज करोगे, एन माइनस वन, और क्लोज लूप नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये तो किलोमीटर का डिस्टेंस है, सबसे कम यूनिट मीटर की होगी, तो सबसे कम जो डिस्टेंस है दैट इज 28 मीटर। 28 किस किस का? ऐप डेवलपमेंट टू वेब डिजाइनिंग, तो मैं जो रेड वाले कनेक्ट कर रही हूँ ये आपका बस टोपोलॉजी का, ठीक है। ऐप डेवलपमेंट टू वेब डिजाइनिंग ये हमारा हो गया 28 मीटर। नेक्स्ट है मेरे पास ये 32 मीटर, वेब डिजाइनिंग और मूवी एडिटिंग, ठीक है। तो 28 प्लस 32, जहाँ तक इसको प्लस कर लेना, आई थिंक ये होगा 60 मीटर, ठीक है। तो किसका डिस्टेंस कम आ रहा है मेरे पास? बस टोपोलॉजी का ना। तो कौन सा बेटर मेथड हुआ मेरे पास? बस टोपोलॉजी, जिसमें मैं वेब डिज़ाइनिंग को कनेक्ट कर रही हूँ ऐप डेवलपमेंट से और मूवी एडिटिंग से, राइट। सो यहाँ पर हम देखते हैं इन्होंने बस टोपोलॉजी ही ले रखा है, ठीक है। वेब डिज़ाइनिंग को कनेक्ट कर रखा है ऐप डेवलपमेंट से और मूवी एडिटिंग से। और अगर मैं इसकी मार्किंग स्कीम की बात करूँ तो हाफ मार्क फॉर करेक्ट मीडियम और हाफ मार्क फॉर लेआउट। इसने मुझे सेकेंड लेआउट का ऑप्शन भी नहीं दिया कि अगर बच्चा स्टार टोपोलॉजी बनाए तो भी कंसीडर करो, राइट। जनरली अगर ऐसा कुछ बेस्ट वेस्ट ना लिखो तो कई बार कंसीडर कर लेते हैं, बट कोशिश करना कि आप लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करो, जहाँ पर डिस्टेंस कम हो वो वाला मेथड आप यूज़ कर सकते हो। बट हाँ, बिल्कुल ही डाउट है या कोई बिलो एवरेज स्टूडेंट है तो बेशक स्टार टोपोलॉजी ड्रॉ कर देना, अगर बस टोपोलॉजी में डाउट हो तो। अदरवाइज प्रेफर कौन सा करोगे? जिसमें आपका जो वायर है वो डिस्टेंस कम यूज़ हो रहा है, राइट। बिकॉज मोस्टली जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो आपको वही सारे मिलते हैं स्टार टोपोलॉजी वाले, ठीक है। ये मैंने स्पेशल कुछ फाइंड आउट करें जिसमें आपका बस टोपोलॉजी, दैट मीन्स वो तुम्हारा 80-20 रूल का कंसेप्ट यूज़ हो रहा हो। नेक्स्ट है मेरे पास सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस। स्विच और हब कहाँ पर करोगे? बिल्डिंग के हर एक कंप्यूटर के साथ। इट विल बी प्लेस्ड इन ऑल ब्लॉक्स टू हैव कनेक्टिविटी विद इन द ब्लॉक। रिपीटर्स का डिस्टेंस यहाँ पर देखते हैं क्या गिवन है। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड बिटवीन द ब्लॉक्स एज डिस्टेंस आर लेस देन 100 मीटर। अगर मैं बात करूँ 70 मीटर की भी तो भी हमने 70 मीटर तक भी नहीं पहुँचे, ठीक है। सो दैट मीन्स आप जो इसमें रिपीटर्स यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट है सजेस्ट द प्रोटोकॉल दैट शेल बी नीडेड टू प्रोवाइड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। कौन सा प्रोटोकॉल है मेरे पास? VoIP। नेक्स्ट है देखो क्वेश्चन, ये इसी ईयर के सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखो ये आपका कितने मार्क्स का आया हुआ है? 5 मार्क्स का। अब मेट्रिकुलस एडुसर्व इज एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ प्लानिंग टू सेट अप इट्स इंडिया कैंपस एट चेन्नई विद इट्स हेड ऑफिस दिल्ली, और 4 बिल्डिंग्स हैं ये, उनका डिस्टेंस दे रखा है, और ये आपको नंबर ऑफ कंप्यूटर्स की टेबल दे रखी है, ठीक है। अब देखो एडमिन में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं, तो सर्वर कहाँ पर होगा आपका? एडमिन में। अब देखो यहाँ पर भी इन्होंने कौन सा मेथड ड्रॉ कर रखा है? बस टोपोलॉजी का। सो दैट मीन्स जिसका डिस्टेंस कम होगा आप वो वाला मेथड यूज़ करोगे, राइट। ये भी सेम बिल्कुल ऐसा ही है। आप एक बार डी पार्ट और देख लेते हैं, जिसका आंसर माइक्रोवेव है, ठीक है। इसमें था विच फास्ट एंड इफेक्टिव वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम शुड बी विद द कैंपस ऑफ, हाँ इफेक्टिव वायरलेस मेथड पूछा, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ कर देंगे? माइक्रोवेव, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं बचा होगा इस कंसेप्ट से रिलेटेड, और आपके जो 5 मार्क्स हैं वो पूरे एकदम सिक्योर हो चुके हैं। बट स्टिल इफ यू हैविंग एनी डाउट इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन या कोई भी डाउट हो तो जस्ट राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। And if you like my video, do press the like button and share your views in the comment section as well. और अगर अभी तक channel subscribe नहीं किया तो please share support बच्चों by subscribing the channel, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको share ज़रूर कीजिएगा। So मिलते हैं next video में एक नए topic के साथ। Till then, keep watching, keep smiling, keep studying. Bye bye.